रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। लाल देह लालील से अरुधरि लाल लंगू वज्र देह दानव दलन जय 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 श्यामर राम चंद्र भगवान की गणपति गजानन महाराज की जय। अम्बे भवानी मात की जय। उमापति महादेव की जय। बालाजी भगवान की जय। अपने मात पिता की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान आशुतोष अवधरदानी मेरे इष्ट और आराध्य की असीम अनुकंपा से षड दिवस आज्ञ छह दिवसीय श्री हनुमंत कथा में आज दूसरे दिन की कथा में पधारे हुए सभी स्वजन मेरी माताएं बहन बड़े बुजुर्ग आप सबका हाथ जोड़कर करबद्ध हार्दिक स्वागत करता हूँ अभिवादन करता हूँ। सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता परो ददामि इति भूताभिमान। हम ऐसे मानते हैं कि संसार में कोई हमें सुख देता है तो ब्रह्मा जी ने कहा है कि सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता। संसार में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता है और कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। न कोई किसी को सुख दे सकता है न कोई दुख दे सकता है तो हमारे जीवन में ये सुख दुख की घटमाल क्यों बनती है। तो कवि कहते हैं कि स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोक। हमारे कर्म की गठरिया हम बांधते हैं और आज की बांधी हुई हम 10 वर्ष के बाद खुलते कई बार उसी दिन खुल जाती है कई बार उस जन्म के बाद खुलती है। तो हमारा कर्म हमको सुख देता है और हमारा कर्म हमको दुख देता है। कलिकाल में अकर्म रहना निष्कर्म रहना असंभव है। सतयुग में द्वापर त्रेता में भी अकर्मण्य रहना असंभव था। एक ही महात्मा का आपने नाम सुना होगा उसका नाम है जड़ भरत जो अपने जीवन पर्यंत कायेन वाचा कवि नाम के जो योगी कर्म की व्याख्या किए है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियवाद बुद्ध्यात्मनावा प्रकृति स्वभाव। इतने प्रकार के हमारे कर्म हम तो फिजिकली जो डीड करते हैं कर्म करते उसी को कर्म कहते मगर काया का कर्म एक है बोलने का। कायेन वाचा मनसा इंद्रिया बुद्धि आत्मा प्रकृति और स्वभाव इतने प्रकार के हमारे कर्म होते हैं तो इस सभी इंद्रियों से निष्कर्म रहना इस लोक में असंभव है। तो कर्म तो होगा ही कर्म करना पड़ेगा या तो जीना है तो कर्म हो जाएगा। तो रास्ता क्या है कर्म करते हैं तो फल मिलता है अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है खराब करते हैं तो खराब। तो ज्यादातर हमारे कर्म दूषित हो जाते हैं या तो अज्ञात अवस्था में हमारे कर्म दूषित हो जाते हैं तो दूषित कर्म का फल भी दूषित आता है। हंसी हंसी ने करेला कर्मों
रड़ी रड़ी ने भुगवा परसे। बहुत खुशी से हंस हंस कर हम कर्म करते हैं, मगर उस कर्म का जब भुगतने का समय होता है तो फल ऐसा होता है कि हो बाबा मरी गए हो, मगर भुगतना पड़ता है। तो उस कर्म के फल को काटने का कोई कुहाड़ा है क्या? यदि वो कर्म को काटने वाला कोई चप्पू, कोई तलवार, कोई छुरी मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। जड़ भरत को हम हो नहीं सकते, तो कलो कीर्तनाद शंभु, कलो कीर्तनाद विष्णु। कलयुग में प्रभु का स्मरण वो पाप को काटने वाला कुहाड़ा बताया गया। तो उस पाप को काटने वाला ये परम तत्व जो नाम कहा गया है, उस नाम महाराज का आश्रय हम करने जा रहे हैं। इस सत्र का बहुत ही अद्भुत उसका नामकरण किया गया है कि हनुमंत कथा। हनुमंत कहाँ है ये सोचते हैं तो हम समझ नहीं पाते। एक तो लोग बोलते मंकी गोड, ऐसा कोई गोड हो सकता है क्या? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। संसार में जहां पर भी संसार विद्यमान है, जहां पर जीव सृष्टि विद्यमान है, वहां हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी महाराज है उसका प्रमाण है कि वहां जीव सृष्टि विद्यमान है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम सभी। पृथ्वी है, जल है, आकाश है और तेज है। इस प्लेनेट के इर्द गिर्द जो एक आभा मंडल, जो ग्रेविटेशन क्रिएट हो रहा है, जो वायु का एक आवरण बना हुआ है, उस वायु को खींच लिया जाए, यानी कि हनुमान जी महाराज इस ग्रह के पृथ्वी नामक जो प्लेनेट है यहां से पूरा वायुमंडल निकल जाए तो यहां भी पत्थर और निर्जीव पृथ्वी हो जाती है। तो जहां पर भी हनुमान है वहां जीव है, वहां जीवन है, वहां फलना फूलना खिलना। जहां भी हनुमान है वहां अनेक प्रकार के सुख और शांति है। उस सुख और शांति का स्वरूप अष्ट सिद्धि और नव दिधि के दाता, ऐसे भगवान हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए हम सुंदरकांड के माध्यम से प्रभु हनुमान जी को जानने का यथामति प्रयास करें। कल थोड़ी रचना, थोड़ी बंधारण बनाया था कि सुंदरकांड क्या है, मगर कल हम शुरू नहीं कर पाए। किष्कंधाकांड के अंतिम दोहे पर और थोड़ा समय हमने ऐसे भी थोड़ा आगे पोथी यात्रा वगैरह में चला गया। तो वैसे पंच दिन शादी हो गया, सुंदरकांड आज से शुरू हो। तो काफी भक्तों की भी प्रतीक्षा हनुमान जी करते होंगे, शायद ऐसा भी हो सकता है। और वही सोई जो राम रचिरा, ये उनकी इच्छा होती है। हम तो काफी कल्पना कर लेते हैं, मगर जो भगवान की इच्छा होती है वही होता है। तो आइए सुंदरकांड का सुंदर सुंदर गान करें। ये सुंदरकांड गाने से जो सुनत गावत कहत समझे, कल हमने बहुत अच्छे तरीके से ये चार पहलू को याद किया था। सुन तो आप रहे मगर जब मौका मिले, आज हम सुंदरकांड लाना भूल गए। और हमारा स्वभाव है कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं, और भगवान की बड़ी कृपा है हम भूल जाते हैं। तो काफी लोग भूल नहीं पाते। यदि कोई गोविंद गोपी गीत में गोपिया ने कहा कि कृष्ण कैसे चले गए, तो बुद्धि मगर के राजा को जैसे प्रजा छोड़ देती है, जिस राजा में बुद्धि नहीं उसका प्रजा उसका अनादर कर देती है, धन बगर के पुरुष को गणिका छोड़ देती है, तृण बगर के वन को मृग छोड़ देते हैं,
और दक्षिणा मिलने के बाद ब्राह्मण यजमान के घर को छोड़ देते हैं। इति गोप्यो ही गोविंदे। कृष्ण भगवान 11 वर्ष तक गोकुल में रहे, एक बार छोड़ दिया तो कभी नहीं आए, नहीं तो बगल में राजा थे, उसको कौन रोकने वाला था। मगर भगवान का स्वभाव है निर्माण मोहा जित संग दोषा, उसको मान नहीं है, मोह नहीं है, जीत और संग, ये चार चीज प्रभु को नहीं होती। यदि आप भूल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, भूलना आ जाए, मगर हम नहीं भूल पाते। जिसको भूलना चाहिए वो पकड़ के बैठ जाते हैं, और जिसको पकड़ के रखना चाहिए उसको भूल जाते हैं। तो आइए, सुंदर सुंदर पहला ही दोहा कल हमने किया था, मगर फिर से उसका गान करके आगे चलते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो जयते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सव्य मनीषम वेदांत विद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ा नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामाति दोषरहितं कुरु मानदण्डम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं दनुजमनकुशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणगानमालराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात जातं नमामि। जामवंत के बचन सुहाय सुनि हनुमंतर दे अति बाल तब लग मोई पर के तुम बाई सही दुख कंद मूल जब लगी आवो सीत ही देखी होई ही काज मोई हर्ष यह कही नाई सबन कहु माता चले हरष यही अधर रघुन सिद्ध तीर एक भूधर सुंदर कौतुक करे उता ऊपर बार बार रघुबीर संभार कर के उपवन तनय बल पार जी गिर चरण दे हनुमंता चले सुदा पाताल तुरंत मोग रघु पट कर बाना ए ही बाती चले हनुमा जल निधि रघुपति दूत चारी ते में नाक हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रव भूष दशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। भगवान हनुमान जी महाराज का ये मंगल अभूतपूर्व अद्भुत पंचम सोपान आरंभ करते हैं। कल बात हमने की कि हनुमान जी महाराज को जगाया गया, काचुक साधी रहे बलवाना पवन तलय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना कवन सो काज कठिन जग माही। हनुमान जी महाराज आपके लिए कौन सा जगत का कार्य कठिन है, आप चुप क्यों बैठे। काचुक साधी रहे बलवान राम काज लगित अब अवतारा। जब कहा गया कि हनुमान जी महाराज आपका जन्म राम कार्य के लिए हुआ है तब सुनते ही भय ऊपर बता का
अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अपना देह बना दिया, अपना शरीर बना दिया, अपना विग्रह बना दिया। कनक वरण दंतेज विराज, सुवर्ण जैसा पर्वत जैसा शरीर, मानव अपर किरण कर राजा। फिर जो हनुमान जी महाराज बोले उसको गर्जना कहा गया, सिंह गर्जना की हनुमान जी महाराज ने। हनुमान जी महाराज ने पूछा कि मैं तो बाप जी वहां जाके रावण को मार दू, सभी सेना को मार दू और पूरा त्रिकुट लंका उठा के ले आऊ, ये मेरी बानर की बुद्धि ऐसा काम करती है, मगर जाम मंत्र में पूछू तो ही उचित सिखावनु दीजो। यहां अद्भुत वडिलों को कैसे सादर सम्मान करना चाहिए ये हनुमान जी बताते। हनुमान जी महाराज कहते मेरे पास बुद्धि है, बल है, मगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है कंपेरेटिव टू जामवन जी, क्योंकि जामवन जी वामन अवतार में भी थे, राम अवतार में भी है, वही जामवन जी कृष्ण अवतार में प्राप्त है।